मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री दयाल चौहान ने इंदौर स्थित अपने कार्यालय पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और मुख्यमंत्री से अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर बीजेपी के शिवराज सरकार को लेकर तमाम तरह की अटकलों की खबरें आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस शिवराज को घेरने में लगी है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री दयाल चौहान ने विजयनगर स्थित अपने कार्यालय में भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सरकार घोषणावीर सरकार है। दयाल चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दवाइयों और इंजेक्शन के अभाव में कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है और लोग परेशान हुए हैं, इन सब का कारण भाजपा की शिवराज सरकार है। कांग्रेस नेता दयाल चौहान ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में हुई मौतों के बाद मृतकों के परिजनों को 1,00,000 रुपये सहायता राशि देने की बात कही और वहीं दूसरी ओर कोरोना के कारण मृतक हुए लोगों के आंकड़े सरकार छुपा रही है। भाजपा सरकार आपदा में अवसर ढूंढते हुए कार्य कर रही है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा बताएं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता हैं, क्या कहेंगे? ये महंगाई आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। 2014 और 2013 के अंदर बीजेपी ने बोला बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के आ जाने से पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। जो 70 रुपये पेट्रोल हुआ करता था, आज की तारीख में वो 104 रुपये पहुंच गया मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश शासन भी टैक्स लेने में कब पीछे नहीं हट रहा है, केंद्र शासन भी नहीं हट रहा है। डीजल और पेट्रोलों के दाम के साथ साथ हम देखेंगे कि जो आम जनता जिसको रोज के रोज उपयोग करती घरेलू तेल, जो सोयाबीन के आज 200 रुपये भाव जा रहे हैं, दूसरे अन्य तेलों के खाने के तेल जो है उनके 200 रुपये भाव जा रहे हैं। उसी प्रकार आप गैस जो टंकी लेंगे, वो उस समय पे वो जो 475 रुपये की टंकी थी वो आज 900 रुपये की टंकी पहुंच गई है। तो ये महंगाई को मुद्दा बना के सरकार आई है और महंगाई आज की तारीख में जिस प्रकार से कोरोना ने जीवन अस्त व्यस्त कराया आम जनता का, महंगाई ने उसी प्रकार से दूसरा रूप धारण करके दोनों तरफ से मार पड़ी और आम जनता सहन नहीं कर पाई है। एक तरफ बीमारी उसकी जान ले रही है, दूसरी तरफ महंगाई उसकी जान ले रही है। आपका परिचय? मैं दयाल चौहान, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। निश्चित ही आम जनता के साथ में जिस प्रकार की भाजपा ने धोखाधड़ी करी है, ये अब किसी को मुंह दिखाने लायक बचे नहीं है। भले वो केंद्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, इन मुख्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको बदले जाने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से दवाइयों के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में और रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य इंजेक्शनों के प्रभाव और उसकी किल्लतों के कारण जो आम जनता त्रस्त हुई है और कई जो हमारे मध्य प्रदेश शासन के मध्य प्रदेश के जो निवासी थे वो उनका दुखंत निधन हुआ है दवाइयों के अभाव में, तो इस सब आपदा का जिम्मेदार केंद्र शासन और मध्य प्रदेश शासन है। तो इनको मुख्यमंत्री को बदलने से या मंत्रियों को बदलने से कुछ नहीं होगा, इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और अपने गुनाह छुपाना नहीं चाहिए, आम जनता के सामने करना चाहिए। ये अभी भी जिस प्रकार से मृत्यु के रिकॉर्ड छुपा रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि कोरोना के जिनका देहांत हुआ है उनको 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन आपने मध्य प्रदेश शासन स्तर पे आपने ये आदेश निकाल दिए हैं कि जो भी मृत्यु हुई है उसके ऊपर आप कोरोना से हुई है डेट नहीं लिखें। अब नहीं लिखेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो सिर्फ घोषणाएं करना और जनता को राहत नहीं पहुंचाना, ये मुख्यमंत्री का शुरू से आदतन रहा है। इसलिए इनको घोषणावीर मध्य प्रदेश के कांग्रेस ने इसका नाम इसीलिए घोषणावीर रखा था कि तत्कालीन घोषणा करते हैं और उससे अपना मुंह छुपा के पीछे हो जाते हैं। तो इनको बदलना नहीं चाहिए मध्य प्रदेश शासन को, इस्तीफा देके और नया जो है जनाधार मध्य प्रदेश शासन को वापस नया जनाधार लेना चाहिए। आपका परिचय बताइए। मैं दयाल चौहान, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।